जी देखिए आप उत्तर एक मिनट एक मिनट हाँ थोड़ा अब हम बोलेंगे वीडियो में, आप केवल सुनिए। देखिए ये उत्तरकाशी से के इलाके से अज्जू जी ने फ़ोन किया अभी, और सुबह हम 7 बजे जहाँ जाते थे समय 9:45 का टाइम हो रहा है, और ये गाड़ी में पूरा सामान लदा हुआ नीचे से ऊपर तक, ये कम से कम 1.5-2 मन सामान हो गया है। तो ये सामान को देखिए बूंदाबांदी हो रही है, झिल्ली से ढक रखा है। अभी अज्जू जी का फ़ोन आया तो हम समझे यहीं रायबरेली के आसपास के होंगे, तो अभी पता लगा कि नहीं ये उत्तरकाशी के हैं, तो अभी उन्हीं से मैं बातचीत कर ही रहा हूँ। अच्छा 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 मानपुर ग्राम के, और जिला उत्तरकाशी है। अच्छा अच्छा मानपुर ग्राम है। जी अच्छा मानपुर ग्राम है जी। अब ये है, अब अभी आपसे बात भी कर रहे हैं, ये हम कंडीशन जी सिंह राणा है, पूरा नाम आजाद सिंह राणा। अच्छा आजाद सिंह राणा उर्फ अज्जू जी, ठीक। अब ये तीनों झोले में सामान लदा है, मैंने इसी का वीडियो बना रहा हूँ, आपसे मैं बात भी करता जा रहा हूँ। अब इसके बाद में चूँकि बूंदाबांदी हल्की हल्की शुरू हो गई है, तो हाँ तो अब इसी समय इसको बंद करके बस कपड़े पहन के मैं निकलने वाला हूँ। आप चाहे सुनिए, परसों मैं भीगा, कल भीगा, आज फिर भीगेंगे, समझ गया। दो दो ढाई ढाई घंटे भीग के, तो हमारा एक सवाल है कि ये बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े डिग्री वाले और बड़े बड़े नेता लोग जो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, मैं उन नेताओं से ये जानना चाहता हूँ कि ये हमको ये कोई जवाब का नहीं देता है। भाई बड़े बाबा हैं आप, ठीक, आप बहुत बड़े नेता हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात, मैं मानता हूँ। हमें जवाब तो दीजिए कि आप बड़े नेता हैं तो कैसे, आप अगर महात्मा अगर बड़े बने हैं तो कैसे, मंदिर के अंदर जो बाबा गुजर गए हैं उनकी मंदिर में करोड़ों रुपया चढ़ाते हैं, हमको ये बताइए कि उस बाबा जी के जीवनी के बारे में क्या आप जानते हैं, आपके पास कोई प्रमाण है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कह दिया गया कौआ कान ले गया तो वो बेकूफ टाइप के भागने लगते हैं, समझ गए। अरे मूर्खो, है हमारा मतलब नेता हो नहीं, नेता हो बड़ा काम करके दिखाओ। अब बड़ा काम सुनिए, नेताओं को यही नहीं मालूम कि बड़ा काम किसे कहते हैं, बड़ा काम। और नहीं सुनिए सुनिए, नहीं नहीं ये तो वीडियो बन रही है, हमारा मतलब कि बाबा लोग या बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े बाबा लोग सिर्फ ये बताने कि मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं और क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बाबा लोग नेता लोग जनता को बताओ, है ना भाई। आप बाबा हैं, आप जनता को आप ज्ञान देते हो, नेता हैं तो वो आपके आपके राजा हैं, आपके पूरी रक्षा करेंगे वो। लेकिन जब राजा और बाबाओं को जानकारी न हो कि ये मनुष्यता की परिभाषा क्या है, जैसे एक मैंने सवाल उठाया कि दुनिया में सारे मजहब हैं, ये है वो है, करोड़ों अरबों नहीं सुनते जाइए करोड़ों अरबों के मंदिर बन गए, करोड़ों अरबों के लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई खुदा और भगवान के चक्कर में, देखते जाओ। तो हमारा सिर्फ ये सवाल है कि दुनिया वालों, आप किसी धर्म के हैं किसी मजहब के हैं, इस 84 साल का बूढ़ा जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी खपा दिया, ये सामने गार्डन जो है ये जानवरों का कब्रिस्तान है, किसी ऋषि मुनि के बारे में बताइए कि कोई ऋषि मुनि घायल सुअर को उठा के लाए हो, उसकी सेवा किया हो और मर गया हो तो अपनी कुटिया में उसको उन्होंने दफनाया हो, सर वो कोई हमको मिसाल बताओ वर्ड का। तो आज एक आदमी वर्ल्ड के लिए चैलेंज बना हो और यहाँ का बाबा और नेता बजाय ताली बजाने को, बजाय मेरा पीठ हौसला बढ़ाने को, वो हमसे सुलग रहा है, वो सुलग रहा है। और सुनिए, और अगर उनकी ज़्यादा बटरिंग ना कर दें, हम उनकी खुशामद ना कर दें, उनको देवता बना दिया और चरण की धूल मांगने लगे, तो अब तक ये लोग हमको उड़वा दिए होते, हमको यहाँ हटवाई लेते, समझ गए। लेकिन वही बटरिंग की वजह से थोड़ी बचत हो गई है। बस हमारा एक सवाल है समाज से, दुनिया से, वर्ल्ड से,
कि आप किसी धर्म के हों, किसी मजहब के हों, हमको सिर्फ ये बताइए कि इंसान किसे कहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसके लक्षण क्या होते हैं, ठीक। और हमको ये बताइए कि जो कुछ आप कर रहे हैं, पूरी दुनिया समाज कर रही है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गिरजा जा, आप जो भी कर रहे हैं, क्या तुम्हारे खुदा भगवान गॉड को पसंद है, हाँ या ना? मैं जवाब दो बोलिए। जो बताए आदमी, अब बताइए हमारी पत्नी ख़त्म हो गई तो कोई बात नहीं, चलो है, भगवान ने नमक रोटी दिया है तो हमने बाकायदे उसका क्रियाकर्म करवाया। अभी हैं जी, जी मौजूद होता है जी, वो कहीं नहीं गई है जी, भौतिक चीज बात बात जी, ट्रांसफर जी जी है जी, आपके साथ है ही जी, आप ऐसी बातें ना किया करें। और फिर आप बोलते कि मैं अकेला पड़ गया, आप कहाँ अकेले बाबा जी, जी जी अकेले हैं जी जी जी, आप कार्य कर रहे हैं, आपके साथ पूरा अस्तित्व है जी 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 जी, यही तो है ही है तो नोटिस करता हूँ जी जी, कोई फालतू की बात तो करते हैं नहीं जी 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 जी, तो करेंगे देश की, राष्ट्र की बात करेंगे या फिर दया की, जी मानवता की, यही बातें आज के समय में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हालांकि मैं आपकी जितनी जितना आपने करा है अभी तक, आप मैं उसका 0.0001% भी नहीं करा मैंने अभी तक जी जी, अभी मेरी उम्र ही नहीं, उम्र 30 करीब करीब है मेरी, अच्छा अच्छा ठीक है, 30 साल करीब करीब है, मैं आपको बता दूं, और आपसे बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ, आप 2018 में आपके वीडियोस देखे थे मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, अपने दोस्तों को बताया था कि ये देखो कोई बंदा है जो इतना काम कर रहा है, आपने ये अपने निजी के लिए कुछ नहीं सोचा, आपने प्राइवेट अपने निजी जीवन के लिए कुछ भी नहीं सोचा, पूरा अर्पण कर दिया जी, जी, जी। ऐसा कोई मिलता नहीं है जी। और अपने आप जुड़ाव हो गया, ऐसा जुड़ाव हो गया कि बस है वो अब मैं कुछ अलग मानता नहीं हूँ, और यहाँ तक कि मैं आपको माफी चाहूंगा कि मैं कई बार आपके जो है आपकी बिल्कुल टोन में जैसा आप बोलते हैं ना उसी टोन में बात करता हूँ कई बार, और मैंने महसूस किया कि हनुमान जी आसपास रहते हैं नहीं, एक चीज बता मैं, देखिए ये शरीर नश्वर शरीर है, ठीक, चाहे तुम सुनिए अरबों खरबों की आप जमीन जायदाद बना लो, बहुत बड़े आप तोप बन जाओ, लेकिन इस जीवन काल में यदि आपको प्रकृति की गोद में रहने को मिल जाए तो दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है, समझ गए। अब आप लोगों का इलाका जो है, उस इलाके का लोग गांव का इलाके का कैलेंडर फोटो घरों में टांगते हैं, सोचिए आप, जब हम लोग आपके यहाँ की सीनरी को फोटो में और कैलेंडर में टांगते हैं बनाते हैं तो सोचिए कि वो कौन सा जगह होगा, इसलिए उसको देवलोक कहा जाता है, है ना, तो वो देवलोक है। तो अब हम वाणी को विराम देंगे क्योंकि क्योंकि अभी 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 दरवाजे अभी गाय खा के गई है, गोबर किया है, अब तुरंत इसी समय गोबर को नहीं उठाएंगे तो पानी बरसेगा, वो फैल जाएगा, ठीक। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, रात में मौका मिले तो 8 बजे जरूर बातचीत कीजिएगा, अच्छी बात जी जी जी, ठीक है। आपकी और दुबे जी की जो पतन वाराणसी से कहा है उनकी वीडियोस देखी, उनके यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कराए, काफी टाइम से आपके दर्शक हैं हम जी जी जी, अच्छी बात, ठीक है, रखते हैं जरा जी जी, जुड़ना भी चाहते हैं बहुत अच्छे से जी 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 जी, होता है क्योंकि कुछ जब आप ऐसे तत्व होते हैं मौजूद जी जी, जी जी जी, अच्छा हाँ जी जी जी, अच्छा एक मिनट के लिए जरा नहीं, इसको हम बंद कर रहे हैं क्योंकि पानी है ना, वो जरा गोबर उठा ले जल्दी से, यही अब वीडियो बंद है, आपकी आवाज़ आ रही है और यही हमारी ज़िंदगी है, और मैं कहता हूँ दुनिया वालों इससे सीखो और करके दिखाओ, ठीक है, इसको जी इसको बंद किया, अब चले गोबर जल्दी उठा ले। आज़ाद सिंह राणा उत्तरकाशी से, अब गांव का नाम उन्होंने बताया है, देखिए ये देखो हमारी कंडीशन देखो, सुबह से बताओ 7 बजे के जगह पर 10 बज रहे हैं, देखो ये देखो, अब इसको बंद करें, हम बंद करके इस गोबर को उठाएं क्योंकि पानी बरसेगा तो फैल जाएगा, अब ये पानी सिमर शुरू हुआ है, रुकेंगे थोड़ी देर, रुक के और तब तक पेड़ पौधों का काम कर लेंगे, ये लाए देखते जाओ सब, काम देखो, दुर्दशा देखो, उम्र देखो और सीखो,
हमें ज्ञान बताओ, भगवान और पूजा और पाठ और मंदिर और मस्जिद और गिरजा की बात करते हो ना, पहले इंसानियत की बात करो, पहले इंसान बन जाओ, इंसान बन के तब दुनिया को दिखाओ कि इंसान इसे कहते हैं। पहले इंसान तो बनो, बाद में हिंदू बनो, मुसलमान बनो, जो मर्जी में आवे सो बनो, पहले इंसान बन के दिखाओ इंसान किसे कहते हैं, ये मुझे बताओ। धर्म ने लिखा, धर्म का मतलब क्या है? अब भगवान खुदा की बात करते हो, भगवान खुदा मिले आज तक, वो क्या चाहते हैं ये करो, तो भगवान खुदा यही चाहते हैं, समझ गए? जो मैं कर रहा हूँ, जीवन लगा दिया है, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि काम करो, हमारी बटरिंग मक्खनबाजी मत करो, वो यही चाहते हैं। अहम बटरिंग मक्खनबाजी, मंदिर मस्जिद मीनार गुंबद बना बना के कंपटीशन, कोई तोड़ रहा है कोई बना रहा है, इससे गिरी हरकत और क्या होगी? जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है उन लोगों का तो नाम के आगे हम कहते हैं उनको तो, उनका तो जगह जगह मूर्ति बना के जूते की माला पहना के टांग देना चाहिए, ताकि आने वाली हर पीढ़ी ये समझे कि ऐसे भी चांडाल प्रकृति के लोग थे इस जमीन पर, इस दुनिया में है। अरे कोई का अपना मजहब है, अपना काम है, हम ही काम कर रहे हैं बिल्कुल, जो धर्म के एकदम विपरीत, मतलब जो धर्म में लिखा है मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन जो समाज कर रहा है उसके मैं विपरीत कर काम कर रहा हूँ, विपरीत मैं बोल रहा हूँ। देखा, फिर आगे पानी, पानी जो है जोर पकड़ा, देखो देख रहे हैं, देखो पानी जोर पकड़ लिया, गोबर उठ गया, नहीं वो पानी बरसता पूरे में फैल जाता, मेरा दरवाजा है नरक हो जाता, और सामान लदा है ढक दिया है, पानी रुकेगा फिर जाएंगे और इस वीडियो को अभी भी तुरंत डाल देंगे, ठीक है? अब बस आप लोग देखो, एक आज़ाद सिंह राणा अज्जू भैया, तो बहुत वही हमने कहा भैया आप तो इसे वातावरण में रह रहे हो कि जहाँ पर कि स्वर्ग है स्वर्ग जीते जी, ठीक है? मैं रखता हूँ इसी वीडियो को, मैं अभी डालूँगा, कुछ सीखो समझो। वहाँ से कोमड़ा मिला था, जो माला पहनाया गया था उसी का बीजा देखो, ये रख के सुखा रहे हैं, जो पेपरमिंट की खेती होती है ना उसकी जो पेराई होती है उसका ये लकड़ी सूखा हुआ रखे हैं, ये तखत के नीचे धुआं करते हैं, ये राख वगैरह आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं आप धुआं करते हैं ताकि मच्छर कम पड़े, वरना यहाँ तो अरबों खरबों मच्छर क्यों है? दरवाजे नाला है, ये कचहरी रोड है, इसके आगे सामने तो नाला है, और बेकार का नाला है, बेमतलब का नाला है बिल्कुल, वो पनामा नहर बना दिया लंबा चौड़ा, उसके पीछे एक राज था, आप मोहल्ले में पता लगा लो आके, ये क्या है हमारी यहाँ, कहाँ है लोकतंत्र, कहाँ है जनता का राज? अरे जो 500 आदमी जिस बात को कहे उस बात को सरकार को मानना चाहिए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लीजिए आप ना, मीडिया वाले अखबार वाले सब जितने वाले हैं अब सारे वालों के आगे और एक वाले और है, उसको हम बोल नहीं सकते यहाँ पर, समझ गए? वादे क्या है जी, जनता वाले की बात करो, हर आदमी से मोहल्ले में पूछो हाँ साहब इस नाले से कितना नुकसान है क्या फ़ायदा है? देखो दुकानदार तो कभी नहीं चाहेगा, वो तो चाहेगा कि पैर फैला के और बैठे, लेकिन ये बताइए हम 10 दुकानदार को खुश करें या लाखों जनता गुजरती है उसको हम देखें जो हमको वोट देगी? उधर गाड़ी इधर गाड़ी और नाले को ऊंचा किया गया, पहले नाला नीचा था, नाले के बाद भी सरकार की जगह है कम से कम 7-8 फीट, 7-8 फीट ये दुकानदार फायदा उठा रहा है, जबकि हमारी भी दुकानें थी उसमें, और फिर नाला है, नाला ऊंचा कर दिया गया, क्यों ऊंचा किया गया? आप आओ पता लगाओ, सतनाम फोटो वाले हैं उनसे आप पूछो, जय भारत टेलर हैं सतनाम वाले उनसे पूछो क्या हो रहा है, जनता माने कुछ है नहीं, जनता माने कुत्ता, जनता और कुत्ता, उसको तो कुत्ता समझा जाता है भाई है? लेकिन ये वास्तव में इनको क्या कहें, जनता को यही लोग चुनते हैं नेता, कौन नेता जब सबकी बात सुने, घर घर जाए हर व्यक्ति की ऑनलाइन के लिए मांग करो कि आप लोग जनता मांग करे ऑनलाइन पूरे दुनिया में पूरे देश में दिखाया जाए, कोई आदमी हो, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करें लेकिन कारण भी तो बताऊं मैं तो, ठीक है लंबी वीडियो हो गई कम से कम, तो अभी मैं रखता हूँ, मैं इसी को इसी समय डालूंगा, क्यों पानी जरा तब तक एक जरा चाय पानी भी कर लें, जैसे पानी रुकेगा उनसे जाएंगे, माल भरा है उधर अलग माल रखा हुआ है, ठीक। अब इस हालत सड़क रायबली में हो हम बैटरी वाला रिक्शा निकाल लें, लेकिन वह सड़क में कहीं जगह नहीं चलने लायक, उधर गाड़ी इधर गाड़ी, बस जिसके पास कार है समझिए वो पैसे वाला है,
उसके लिए ना कोई पुलिस है ना उसके लिए कोई कानून है, बस कार वाला हो। उधर देखिए आप सड़कों सड़क में वो गड्ढे, डिग्री कॉलेज चौराहे पर सही चौक के बगल में जरा बीचों बीच सड़क का गड्ढा तो आप देख ले। हम पानी जब सूख पानी नहीं होगा तो हम बना के दिखाएंगे आपको। एक दिन हम भी उसमें गिरते गिरते बचे। सही चौक डिग्री कॉलेज चौराहा रायबरेली की मैं बात कर रहा हूँ। अंधे वहाँ को प्रशासन को नहीं दिखाई पड़ता कि उसमें तुम केवल रोड़े गिट्टे मलबा भरे हैं शहर के अंदर। वही मगा के डरवा दीजिए मानवता के नाते, ना ना नेता से मतलब ना प्रशासन से मतलब, और जनता तो अंधी ही है। चाहे मर जाए सड़क के खराबी से, चुनाव होगा कोई ना कोई जीत जाएगा। हम कहते हैं किसी को मत जिताओ, किसी को जिताओ ही मत, कहो ना। अब उन आदमी उनमें से निकल के आवे बहुत बहुत सम्मानित व्यक्ति हो, ना पैसा हो, गरीब अलग हो, उसको जिताओ, कान पकड़ो, उससे काम करवाओ, कानून मांग करो कि हर जनता की आवाज़ का एक कलम बने। ऑनलाइन आदमी हम मोबाइल से बात करें, सीधे हमारी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच जाए। कार्यालय में वहाँ के जो बड़े बड़े भाई इतना बड़ा कार्यालय है, वहाँ के लोग सब नोट करें, नोट करके फिर जब उनको मौका हो, मतलब किसी तरह सरकार के संज्ञान में आम जनमानस की बात पहुँचे, तब तो लोकतंत्र है, तब ये चुनाव कराओ, वरना लोगों को बेकूफ ना बनाओ। लेकिन जनता ही बेकूफ है तो कोई क्या कहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।